मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वो है उसका मीनिंग। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने जैसे कि देखा, ये आजकल का मॉडर्न सिस्टम है। इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और एक पार्शियल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन को ध्यान में रखा जाता है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलाकर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाकर देता है। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये जो सेक्शन होता है किसी भी कंपनी का, ये हर तरह के काम के बारे में ध्यान रखता है और उनको प्रोजेक्ट करने में मदद करता है, यानी कि उनको सही ढंग से आउटकम निकालने में उनकी मदद से शुरू करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें अलग अलग तरह के स्पेशल तरह के वर्क होते हैं जिसकी मदद से कंपनी को फ़ायदा हो सके, और मैनेजमेंट उसमें से फ़ायदा जितना ज़्यादा हो सके कम समय में निकाल सके। इसमें मल्टी फेज स्ट्रक्चर होता है, यानी एक टाइम पर कई तरह की चीज़ों का काम इकट्ठे किया जाता है। ये डिज़ाइन जो होती है, इस डिज़ाइन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्क्स यानी अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन की मदद से हमारा काम जो होता है वो प्रोजेक्ट होने में हेल्प करता है। और जो मैनेजर होता है वो अलग अलग तरह से चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों तक पहुँचाता है। ये प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारे कई तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट को साथ लिए चलता है, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है कि हर काम सही इंसान तक पहुंचाया जाए और उससे वो काम करवाया जाए। एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जिन्हें हम स्टाफ मेंबर के तौर से भी जान सकते हैं, वो लोगों को सही ढंग से काम बताते हैं और उन लोगों को सही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसकी मदद से एक्सपर्ट द्वारा ये ग्रुप्स अलग अलग तरह के काम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम समय में निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है, प्रोजेक्ट के मैनेजर में और जनरल मैनेजर, हमारे दो सेक्शंस हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में दो सेक्शन मेनली काम करते हैं, वो होता है एक जनरल मैनेजर और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर में आता है प्रोडक्शन, परचेज, इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन का मतलब होता है यानी सामान का बनना, परचेज का मतलब होता है कच्चे माल का खरीदना, इंजीनियरिंग का मतलब होता है जहाँ पर मशीन्स की देखभाल होना, और रिसर्च डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में रिसर्च करके उसके बाद अपनी न्यू पद्धतियों को काम में लाना। ये चार सेक्शन में जनरल मैनेजर काम करता है। और पांचवा सेक्शन होता है, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। अब मान लोगे एक कंपनी तीन तरह की चीज़ें बना रही है, फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट ब्रांड है जो वाइट चॉकलेट भी बना रही है, डार्क चॉकलेट भी बना रही है और नॉर्मल मिल्क चॉकलेट भी बना रही है, तो वो तीनों प्रोजेक्ट अलग तरह से काम होंगे, इसलिए वो तीनों के अलग अलग सेक्शंस में काम करेगा और हर एक के लिए एक मैनेजर को नियुक्त करेगा। जिस तरह यहाँ डायग्राम बताया गया है, उस तरह से हम हमारे जनरल मैनेजर जो कि सबसे ऊपर का लेवल माना जाता है, उसकी तरफ के ऑर्डर्स को प्रोजेक्ट हेड्स तक पहुँचाएंगे, और फिर परचेज डिपार्टमेंट में खरीदारी के लिए काम दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना माल बनाना है उसका दिया जाएगा, इंजीनियरिंग को मशीनरी का देखभाल के लिए कहा जाएगा, और वहीं रिसर्च डेवलपमेंट ये ध्यान रखेगा कि मार्केट में उस तरह का कोई माल है अवेलेबल या नहीं, और टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा फंक्शन पूरा किया जाएगा।